वेलकम टू SB क्यूरियस। SB क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, जानते हैं कि इसके पहले की क्लासेस थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज जो आपकी क्लास है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में ही कार्य का जारी होना होता है, वर्तमान में ही कार्य का क्या होता है, जारी होना होता है। वर्तमान में मतलब इसकी अगर हिंदी, इफ वी टॉक द पर्टिकुलर हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आर दिस पर्टिकुलर वर्ड, देन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट आर करेक्ट हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। बट हम ये कह सकते हैं, वी कैन जनरली से कि इस पर्टिकुलर वर्ड की जो हिंदी हो सकती है वो ये है कि वर्तमान में कार्य का जारी होना। एक तरीके से आप जान सकते हैं वर्तमान में कार्य का जारी होना कैसे आप समझेंगे, जैसे कि वह 2 घंटे से लखनऊ से आ रहा है, मैं 2 घंटे से आजमगढ़ जा रहा हूँ, वह 5 बजे से अपना कार्य कर रहा है, सुनीता 10 बजे से विद्यालय जा रही है, मैं 10 घंटे से आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं 5 बजे से अपना कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमने पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो बोला, इसमें आपको क्या मिला? इसमें आपको ये मिला कि जो हमारा काम है वो वर्तमान में क्या है, जारी है। वॉट एवर आई एम एक्सप्रेसिंग बिफोर ऑल ऑफ यू, इट इज़ कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट टाइम। ये जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है, मतलब हुआ नहीं है, होने के कगार पे है, क्योंकि जब कोई भी काम हो रहा है तो उसको ऑब्वियस फिनिश होना है। तो ये आप कह सकते हैं कि वर्तमान में कार्य का जारी होना, वर्तमान में, यू कैन डेफिनेटली से दिस इन प्रेजेंट टाइम द वर्क इज कंटिन्यूड, काम क्या है, जारी है। तो इस तरीके से, तो इसको और भी अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो देखते हैं इसकी, सबसे पहले फर्स्टली वी विल सी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन की जो हिंदी होती है, बार बार आप लोगों के साथ चर्चा हो रहा है, पहचान, ये हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन। तो क्या इसकी पहचान है, सेम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, सेम वही पहचान है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर यहाँ हम देखेंगे, क्या अंतर है कि वाक्य के अंत में क्या, वाक्य के अंत में क्या रहा है, रहे हैं प्लस समय प्लस समय अवश्य रहता है, ये इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्या है, फिर से देखते हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय अवश्य दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय अवश्य दिया रहता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो यहाँ तक तो बात आपकी स्पष्ट हुई। अब इसका दूसरा स्टेप बनता है जो आपके सामने है, सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम सीधे तौर पर चलते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है। तो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स,
हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन कौन है? पहले का नाम है आपका जो है हैव बीन, और दूसरे का नाम है हैज बीन। पहले का नाम है हैव बीन और दूसरे का नाम है हैज बीन, तो उसको देख लेते हैं क्या कैसे है। पहले का नाम है हैव बीन और दूसरे का नाम क्या है? हैज बीन। पहले का नाम है हैव बीन और दूसरे का नाम है हैज बीन। ये हो गई। अब इसकी जो करेक्ट यूजिंग है, किसके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे और किसके साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं। यूज ऑफ हैव बीन, यूज ऑफ हैव बीन, हैव बीन, तो उसको देखेंगे। हैव बीन का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे, तो उसके लिए आप साधारण जान लीजिए, बार बार आप देखते आ रहे हैं, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा, आई, वी, यू एंड दे, आई, वी, यू एंड दे प्लस सेस प्लूरल के साथ। प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन। आई वी यू दे, आई वी यू एंड दे प्लस सेस प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हैव बीन आता है। हैव बीन आता है। ये तो आपका हैव बीन का प्रयोग हो गया। अब दूसरी इसकी हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हैज बीन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ हैव बीन प्लस हैज बीन, हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन, ठीक, उसको देखते हैं। अब किसके साथ हम जो है हैज बीन का प्रयोग करेंगे उसको देख लेते हैं, तो भी बहुत सिंपल है, उसको देख लेते हैं। यूज ऑफ हैज बीन, यूज ऑफ हैज बीन, हैज बीन किसके साथ करेंगे? तो आपका है ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम। बार बार ये चीज आपके सामने आएगी, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, एकदम हैज बीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यूज ऑफ हैव में देखेंगे, ठीक है, यूज ऑफ हैव में, या आप कह सकते हैं यूज ऑफ हैज बीन में ही, सी, इट प्लस दुनिया के किसी भी नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। एक स्टेप और इसका बचता है, उसको देख लेते हैं। ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज आई एन जी, आई एन जी, या जिसे आप इंग बोल सकते हैं, इंग फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया का हमेशा आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। ऑलवेज यूज आई एन जी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जिसको शॉर्ट में आप एम भी बोल सकते हैं, ठीक, हमेशा मुख्य क्रिया का आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल में आपके सामने ये हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका है वर्क है, वर्क ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द
वर्ब है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वर्क, तो वर्क प्लस आई एन जी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्किंग हो जाएगा। तो यही ऑलवेज यूज आई एन जी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब का हमेशा आप लोग जो है आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है वर्क प्लस आई एन जी इजक्वल टू वर्किंग, इसी तरीके से मेक प्लस आई एन जी मेकिंग, प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग, ठीक है, रन प्लस आई एन जी रनिंग हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी वर्ब हैं उसमें आई एन जी इंग जोड़ेंगे, अगर वो उस कैटेगरी को फिलअप करती हैं, अगर वो उस कैटेगरी में वो आती हैं तब आई एन जी जोड़ने के बाद कंटिन्यूटी बनती है तब, ये नहीं कि किसी के भी साथ, ऐसा मत करिएगा, ठीक। तो वर्क प्लस आई एन जी इक्वल टू हो जाएगा वर्किंग आपका। तो इस तरीके से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑलवेज यूज इंग फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। अब एक चीज और रहेगा कि इसमें एक काम और करेंगे आप लोग, जैसे कि पहचान में समय अवश्य दिया रहता है, तो समय की बात समझ लीजिए, समय अवश्य दिया रहता है। तो समय की बात को समझने के लिए एक होता है आपका निश्चित समय, ये एक आपका होता है निश्चित समय, और दूसरा आपका होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक होता है आपका निश्चित समय और एक होता है आपका अनिश्चित समय। एक को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या एक को आप दूसरा नाम दे सकते हैं डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम। तो जो डेफिनिट टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे सिंस का प्रयोग। और अगला जो बचता है इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। ये आपका आपके पूरे सामने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा 100% हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरीके से इस टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम एक एक प्रोनाउन को लेकर के एज ए सब्जेक्ट जो यूज करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, तो उसको देखिए, तो उसको यूज कर लिया जाए। तो यहीं पर हम जो है उसको देख ले रहे हैं आप लोगों के सामने, जैसे हम किसके साथ जो है बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैव बीन के प्रयोग को देख लिया जाए। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें आपको अभी हम ये भी जो कोशिश करेंगे बताने की, या फुल्ली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आप फार का प्रयोग करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पर देख लेते हैं किसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ फार का प्रयोग करेंगे। आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स देन वी शैल ट्रांसलेट, वी शैल मेक सेंटेंसेस। तो उसको देख लिया जाए सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इधर लिख लेते हैं सिंस और इधर लिख लेते हैं फार, ये हो गया आपका, बीच में ऐसे सेपरेशन कर देते हैं, ठीक। किसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ फार का प्रयोग करेंगे, इसका देख लिया जाए कॉन्सेप्ट। तो निश्चित समय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय में आपका हो जाएगा जैसे डे हो गया, डे मीन्स होता है दिन, दिन में संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आएगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, डे हो गया पहला। दूसरा आपका हो जाएगा मंथ, डे हो जाएगा उसके बाद मंथ्स हो जाएगा, इसको डेज बोल सकते हैं, डेज बोल सकते हैं, मंथ्स हो गया। तीसरा आपका ईयर हो गया, ईयर में आप सभी लोग जानते हैं 2002, 2010, 12, 1992, 95, 97, 93, 2001, 2005, मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी सन हो, कोई भी डेट हो, ये हो गया। और चौथा क्या है,
कोई भी आपका जो अवसर हो गया, अवसर अवसर मीन्स शादी विवाह जो कुछ भी आप होगा तो एक निश्चित समय पर ही होगा सिंस हिज मैरिज उसके शादी से, ठीक है। तो ये हो गया। और जो पांचवा हो गया जैसे आपका कोई भी त्यौहार, भारत में बहुत हर तरीके के लोग हैं, हर त्यौहार मनाते हैं। तो देखिए सिंस के प्रयोग का बिल्कुल 100% जो है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है। क्या है डेज के साथ, डेज में संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, ये आपका डेज हो गया। उसके बाद मंथ में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया। ईयर में कोई भी ईयर 2012, 13, 14, 15, 16, 95, 96, 91, कोई भी 1911, वॉट एवर यू कैन से, वॉट एवर यू वांट। अवसर में जैसे कोई भी शादी भी सिंस इज मैरिज सिंस। और उसके बाद फिर लास्ट आपका आ गया वो है आपका जो है कोई भी त्यौहार, कोई भी त्यौहार जैसे कि होली दिवाली दशहरा ईद, कोई भी त्यौहार आ गया उसके सिंस ईद सिंस होली सिंस दिवाली, ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया फार का प्रयोग, जितने बच जा रहे हैं इनका, जब आपका सिंस का प्रयोग यहाँ क्लियर हो गया तो जितने बचेंगे उसके साथ फार का प्रयोग करेंगे तो उनको देख लिया जाए। फार के प्रयोग में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि दो घंटे से चार घंटे से दस घंटे से बीस घंटे से पचास घंटे से सौ घंटे से पाँच सौ घंटे से कोई भी घंटा आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बात कहा दो घंटे से या दो दिन से आप बोल सकते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है कि दो दिन में संडे मंडे हैं कि ट्यूसडे वेंसडे हैं, तो ये अनिश्चित हो गया दो दिन से। अब इसी में आ गया आपका जैसे मंथ्स की बात की जाए, तीसरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपका जैसे मान लीजिए तीन मंथ से ठीक है, तीन महीने से आप बोल सकते हैं, तीन महीने से अवसर कोई आ गया, मतलब ये अनसर्टेनिटी को बता दे, जहाँ पर ये चीज़ें आपकी फिक्स्ड हैं ये चीज़ें फिक्स्ड नहीं थी, इसको अनफिक्स्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया जैसे दो घंटे से, चार दिन से, पाँच दिन से, छः दिन से हो गया, दो महीने से हो गया, दो साल से हो गया, ठीक है, रात से हो गया, दिन से हो गया, मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर नाम दे दिया जाएगा कि संडे से मंडे से, तो वहाँ पर क्या आप कर देंगे, वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपका इन्हीं में आप अगर जो अनिश्चितता पाते हैं तो क्या यूज करेंगे, आप ये यूज कर सकते हैं। एक देखिए और बच गया जैसे कि सिंस लास्ट नाइट कभी कभी आता है, छठवां में आपका होगा जो है, इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई और दिन आ गया जैसे सिंस लास्ट नाइट जैसे अगर लास्ट नाइट आपके सामने है, लास्ट नाइट NIGST लास्ट नाइट, तो उसके साथ भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ भी आप सिंस लास्ट नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस लास्ट डे सिंस लास्ट नाइट अगर आएगा तब भी आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका सिंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है फार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फोकस ऑन वन थिंग अकॉर्डिंग टू मी एंड एवरीथिंग इज अप टू यू, इन विच वे डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू मे अंडरस्टैंड, इन विच वे यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज़ टोटली अप टू यू। ये पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से आप समझना चाहते हैं। आई ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया। अब हम विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेज ये कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ कि कैसे हम कब हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, कब हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। ये तो हो गई पूरी बात। अब कब हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, कब हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो इसी स्पेस में हम देख लेते हैं कैसे कब क्या चीज़ें चलेंगी। जैसे आपका है मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, पहला एग्जांपल आपके सामने मैं दो घंटे से, पहले हम सिंस के प्रयोग को देख लेते हैं। मैं दो बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं दो बजे से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आप देखेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, इतना आपने देखा। प्लस आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, प्लस में समय अवस्थ दिया रहता है, तो देख लीजिए पूरे सेंटेंस को
प्लीज़ रीड आउट दिस सेंटेंस अगेन। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मतलब समय भी है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कब से, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। ठीक, ये बात आपकी है। जब आप 2 बजे से पढ़ रहे हैं तो ये निश्चित, इसको आपको देखना है कि निश्चित समय है कि अनिश्चित समय। तो यहाँ आप देखेंगे डेज है, मंथ है, ईयर है, अवसर है, त्यौहार है। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 बजे से यानी कि आपकी ये समय निश्चित हो गई कि नहीं, तो आपकी बात निश्चित हो गई 2 बजे से, यानी 24 आवर्स में 2 बार 2 बजते हैं। एक दिन में 2 बजता है, एक रात में 2 बजता है। तो दिस इज डेफिनेट टाइम, तो ये निश्चित समय है। तो क्या इसकी अंग्रेजी होगी आई, और आई के साथ आप देखे ही हैं कि जब आप जो है यूज ऑफ हैव बीन, आई फर्स्ट प्लेस पर ही आ गया, तो बिल्कुल बात सही है। आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग जो भी आप कर दें, आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या है, 2 बजे से है, निश्चित समय है। जब निश्चित बात आएगी तो किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस। अब ये हो गया 2 बजे से, तो 2 बजना क्या होता है 2, और जब बजने की बात आती है तो ओ और उसके बाद क्लॉक। ये आपकी बात स्पष्ट हो गई, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसी का निगेटिव हम देखेंगे, इसको आप देख लीजिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसी का निगेटिव हम देखते हैं, तो निगेटिव कैसे सीखेंगे उसको देख लेते हैं। मैं मान लीजिए 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, अज्यूम इट दैट मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तब क्या होगा। अगर बात आ जाए कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसमें करना क्या है, मैं 2 घंटे से यहाँ पर केवल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तब क्या होगा, तब आपका होगा आई हैव। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी बात नकारात्मक की बात आती है तो जो एक साथ 2 वर्ब रहेंगी उनके बीच में नॉट आएगा, जो एक साथ 2 वर्ब रहेंगे, जैसे हैज़ बीन रहेगा तब भी हैज़ को तुरंत रखने के बाद उसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सीख लीजिए, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, बिल्कुल स्पष्टता देख लीजिए, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। देख लीजिए आराम पूर्वक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। उसका निगेटिव हमने बनाया, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये इसका निगेटिव हो गया। अब इसका हम जो है देखेंगे इंट्रोगेटिव, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम यही कह दें कि क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस आगे क्या लगा दिया हमने, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सा चेंजिंग करेंगे, आई सेल चेंज अ लिटल बिट, वो चेंज हो गया। ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ देखिएगा आप लोग, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसको देखिए आप लोग, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी आगे आएगी, हैव आई, उसके बाद लगेगा बीन, हैव आई बीन, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अगर हम बोलते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसके लिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये हो गया। अब आपका बनेगा, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, अब आपका नेक्स्ट जो चौथा सेंटेंस बनेगा, क्या मैं दो बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है 2 घंटा हमने बोल दिया, क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 बजे से नहीं कर ले रहे हैं,
यहाँ पर क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटा जो हुआ उसको रिमूव करिएगा। क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा इसका, तो आपका होगा हैव आई, हैव आई के तुरंत बाद नाट बीन, हैव आई नाट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैव आई नाट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपका हो गया सेकंड। चौथा के बाद जो है पांचवा, अगर हम बात करें कि क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि आप जो है मैं के स्थान पर यानी आई के स्थान पर आप वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी चीज़ों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जो है समस्या नहीं, आप जैसे चाहें वैसे चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि आपने जान लिया कि हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे, बस वही एनएफ है, तो उसके अंडर में जितने भी प्रोनाउंस आएंगे, जितने भी नाउंस आएंगे उनको आप धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं हैव बीन के। अब हम देख लेते हैं यहीं पर हैज़ बीन का प्रयोग, कैसे हम हैज़ बीन का प्रयोग देखेंगे, तो हैज़ बीन को देखने के लिए हैज़ बीन ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि रमेश अब सिंस का प्रयोग हो गया, रमेश जो है 2 दिन से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ये सेंटेंस आपके सामने, दिस सेंटेंस इज बिफोर ऑल ऑफ यू, रमेश 2 दिन से दिल्ली जा रहा है, तो इसकी क्या अंग्रेजी होगी, तो आप देखेंगे रमेश हो गए, तो यहाँ द यूज ऑफ हैज बीन ही सी इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम, रमेश इंडियन नेम है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ ऑब्वियसली वी विल यूज हैज बीन, ठीक है, तो यूज करते हैं, तो रमेश हैज बीन के बाद गोइंग, गो इसका फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी हो जाएगा, गोइंग कहाँ जा रहा है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर रहेगा, रमेश हैज़ बीन गोइंग, ठीक है, गोइंग टू दिल्ली, रमेश हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली, रमेश हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर, क्यों फॉर का प्रयोग करेंगे, उसको 2 दिन से, देखिए 2 घंटे से 2 दिन से, यहाँ देखिए 2 घंटे से 2 दिन से, इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम फार का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका अनिश्चित समय है, ये नहीं पता चल रहा है कि दो दिन कब से, कौन से, पिछले महीने वाले 2 दिन से कि पिछले साल वाले 2 दिन से, इट इज़ इनडेफिनिट, टोटली इनडेफिनिट, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो फार का प्रयोग, तो रमेश हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days, यहाँ पर टी डब्ल्यू वो भी आप लिख सकते हैं, रमेश हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days, ये होगा आपका, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इसका निगेटिव हम बनाएंगे, तो रमेश 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा है, रमेश 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा है, इसका अगर निगेटिव हम देखते हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू सी द निगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस, देन क्या होगा उसको देख लेते हैं, रमेश 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा, यहाँ पर हम नहीं कर दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो सीधी सी बात होगी, रमेश हैज नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days,
रमेश हैज नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा उसको देख लेते हैं। क्या रमेश दो दिन से दिल्ली जा रहा, नहीं को कट कर देते हैं। क्या रमेश दो दिन से दिल्ली जा रहा है, ठीक, यहाँ बस केवल हम ऐड करते हैं क्या रमेश, ठीक। क्या रमेश दो दिन से दिल्ली जा रहा है, तो आप करेंगे हैज रमेश बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, ये आपका होगा। और आपका आ जाएगा क्या क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या क्वेश्चन मार्क। हैज़ रमेश बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, हैज़ रमेश बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज। अगर हम यही बात कर दें नेगेटिव की, नेगेटिव की बात कर दें, क्या रमेश दो दिन से दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बात आ जाएगी यहाँ आपकी। क्या रमेश दो दिन से दिल्ली नहीं जा रहा है, बार बार इरेज करने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। क्या रमेश दो दिन से दिल्ली नहीं जा रहा है, वो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो सिंपल सा है आपका, हैज रमेश, ध्यान दीजिएगा कि तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, यहाँ हो जाएगा हैज़ रमेश नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज। वंस अगेन, हैज़ रमेश नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, ये हो गया। अब ये तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा लास्ट में, हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर इट, वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप पॉजिटिव, डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव मीन्स फोर टाइप्स, देन यू विल पुट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज योर ट्रांसलेशन मस्ट बी रॉन्ग, सो रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली, रिमेंबर इट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बस एक चीज़ कर दें, क्यों रमेश दो दिन से दिल्ली जा रहा, क्यों भाई कोई काम रहे होगा, नाट को हटाते हैं, दो दिन से दिल्ली जा रहा है, तो आप करेंगे व्हाई हैज रमेश, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान दीजिएगा, व्हाई हैज रमेश बीन गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, ये हो जाएगा। अब इसका निगेटिव बनाएंगे जब, तो व्हाई हैज रमेश नॉट, व्हाई हैज रमेश, अब यहाँ पर केवल निगेटिव बनाना है, निगेटिव को देखेंगे, निगेटिव कैसे बनेगा, तो आपका यहाँ पर केवल नहीं कर दीजिए, नहीं, क्या बनेगा आपका, बनेगा व्हाई हैज रमेश नॉट के बाद बीन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बीन कहाँ पे आ गई, व्हाई हैज रमेश, व्हाई हैज रमेश नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर टू डेज, क्योंकि अनिश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सिंस का प्रयोग, फार का प्रयोग, और रमेश के स्थान पर आप, हमने एक एग्जांपल लिया है, उसका 6 सेंटेंस हमने बनाया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर इन अकॉर्डिंग टू व्याकरणविद जो होते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट इंग्लिश ग्रामर एंड मोस्ट ऑफ द ग्रामरियंस टोल्ड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो दिस इज सिस्टम ऑफ द ग्रामर एंड मेनी ग्रामरियन मेनी माइंड्स मेनी ग्रामरियंस यू कैन से। तो उसमें है क्या कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, उनको हम सीखते चलें, जानते चलें, और आगे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने आप में इम्प्रूव करते चलें।
तो इस तरीके से मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर बिफोर ऑल ऑफ यू दिस थिंग दैट इन प्लेस ऑफ रमेश यू कैन यूज़ ही सी इट, मतलब रमेश के स्थान पर आप ही का प्रयोग करेंगे तब भी हैज़ बीन का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग करेंगे तब भी हैज़ बीन का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग करेंगे तब भी हैज़ बीन का प्रयोग होगा, या माइकल, हेनरी, या एलेक्स, एलेक्सा, पीटर, हेरेली क्विंटल, या कोई भी नाम, चाहे देसी नाम चाहे विदेशी नाम, चाहे इंडिया का नाम हो, अमेरिका का नाम हो, पाकिस्तान का नाम हो, जापान का नाम हो, एशिया का, इंडोनेशिया का, मतलब विश्व में लगभग 206 से 208 कंट्रीज हैं। देयर आर इन द वर्ल्ड देयर आर 226 कंट्रीज इन द करेंट टाइम। तो उस हिसाब से आप किसी भी देश के किसी भी नागरिक का नाम यहाँ पर रख करके हैज़ बीन का प्रयोग आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि वो जो काम है वो निश्चित समय में हो रहा है या अनिश्चित समय में हो रहा है। तो निश्चित समय के लिए हमने आपको बताया डेज, मंथ, ईयर, अवसर और त्यौहार अगर आ जाए तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कुछ आता है तो आप आँख मूंद करके फार का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ यूजिंग सिंस एंड फार इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स अ लॉट। बी ऑलवेज द पार्ट ऑफ एस बी क्यूरियस। स्टे कनेक्टेड।